सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 6G स्टैंडर्ड मॉडल यानी बेस मॉडल BS6 2024 के न्यू अपडेटेड प्राइस के बारे में। अगर आप इस स्कूटर को ख़रीदने की सोच रहे होगे तो आपको कितने की डाउन पेमेंट जमा करनी होगी, आपकी हर महीने की किस्त कितनी देनी होगी, तो आज के डेट में इसका एक शोरूम प्राइस पड़ेगा 77,774 रुपये। इसमें आपको RTO का चार्ज देना पड़ेगा 8,870 रुपये का। इसमें आपको इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ेगा 5,892 रुपये। इसमें कुल ऑन रोड प्राइस निकल के आएगा 92,503 रुपये का। अगर आप इसे फाइनेंस पे लेने की सोच रहे होगे तो कम से कम में आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 11,500 रुपये तक का, तो आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा 81,000 रुपये का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 2 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 4,253 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 1,13,572 रुपये। 3 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 3,128 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 1,24,108 रुपये। अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा करके करते हो 21,400 रुपये तक का, तो आपका लोन अमाउंट निकल के आएगा 71,103 रुपये का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 2 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 3,731 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 1,10,944 रुपये। 3 साल के लिए आपको हर महीने की EMI देनी होगी 2,745 रुपये, तो टोटल ब्याज व्याज सब मिला करके पड़ेगा 1,20,220 रुपये। इंडिया के कुछ राज्यों की ऑन रोड प्राइस, मध्य प्रदेश में पड़ेगा 94,999 रुपये, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा 93,000 रुपये, उड़ीसा में पड़ेगा 92,510 रुपये, झारखंड में पड़ेगा 93,651 रुपये, वेस्ट बंगाल में पड़ेगा 97,500 रुपये, महाराष्ट्र में पड़ेगा 94,000 रुपये, गुजरात में पड़ेगा 93,000, बिहार में पड़ेगा 92,380 रुपये और न्यू दिल्ली में पड़ेगा 93,000 रुपये। इंडिया के सभी राज्यों में 2,000 से लेकर के 3,000 का ही अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने किसी सिटी एवं राज्यों की जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।